तो फाइनली पहुंच ही गए आप लोग, मुझे उम्मीद थी पहुंच जाओगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो वीडियो अलग मिलेगी आपको, ठीक है। तो चलो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं, और यहाँ पे बता दूँ साथ के साथ मैं आंसर भी बताता चलूँ, मतलब गाइड करता चलूँगा कि हाँ इस तरीके से आपको इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अगर लिखने मतलब देखने आए हो, आर्टिकल लिख रखा है वैसे मैंने इसके ऊपर, अगर आपको पढ़ने का मन है ऐसे, मतलब वीडियो सुनने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन है रटने का मन है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप कर लो ये काम भी। तो वहाँ पे मैंने बता रखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल है कि उस पे जाओ पढ़ सकते हो। हाँ अब बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट समझने आया, क्योंकि समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और अगर आप समझोगे नहीं तो लिखोगे क्या, पढ़ा हुआ तो फिर भूल जाओगे, समझना जरूरी होता है। तो पहला चैप्टर आपके पास में आ रहा है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इस गाँव की कहानी। अब इस गाँव के अंदर जो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हाउ टू ऑर्गेनाइज अ प्रोडक्शन, ठीक है ना, हाउ टू ऑर्गेनाइज अ प्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पे देखो पेज नंबर, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है पेज नंबर 2 पे है ये, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैसे भी कर सकते हैं, हाउ आ प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज, हाउ ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब चार की पॉइंट्स होते हैं जो जरूरी होते हैं, वो है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, वो इंसान जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है ना, स्वस्थ हो, काम कर सकता है, तो उसको ह्यूमन कैपिटल के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। और फिजिकल कैपिटल यानी कि करेंसी, पैसा, ठीक है। लैंड तो पता ही है, जमीन, लेबर जो काम करते हैं, ठीक है। तो ये चार चीज़ें जरूरी होती है एक प्रोडक्शन, एक चीज़ की पैदावार करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो आपका एच वाई वी है, एच वाई वी आ सकता है, यानी कि पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एच वाई वी, अगर एक नंबर में आता है, ठीक है, एक या दो नंबर में आता है डिस्क्राइब एच वाई वी, ठीक है ना, हाउ इट हेल्प्स पालमपुर पीपल। तो क्या हुआ था, एच वाई वी सीड्स है, ठीक है, ये एक बीज होता है किस्म का, और ये ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान डेवलप्ड हुआ था। और इस डेवलपमेंट में क्या हुआ, पहले के लोग, पहले जो है पालमपुर के लोग 1300 यानी कि 13 क्विंटल जो है गेहूं पैदा करते थे एक हेक्टेयर, एक किला जमीन से, ठीक है। उसके बाद में जो है इस एच वाई वी सीड्स को जब उगाया गया, इनको जो है ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, ज़्यादा इरिगेशन भी चाहिए होती है, ये भी एक डिसएडवांटेज पॉइंट है इसका, बट हाँ इससे ज़मीन भी ख़राब हो रही है आज के टाइम पे, सब जगह एच वाई वी चल पड़ा है। और इसकी जो पैदावार थी वो 1300 किलोग्राम नहीं थी, यानी कि 13 क्विंटल से बढ़ के वो 32 क्विंटल तक पहुंच गई। तो देख सकते हो कितना ह्यूज गैप आ गया था उसी प्रोडक्शन में एक हेक्टेयर के ऊपर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बट हाँ ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। जो बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर से अगर आता है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, उस पर से आ सकता है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं एंड आगे देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन जो है इसमें से आने वाले हैं इस चैप्टर से। तो यहाँ पर जो है इस चैप्टर से जहाँ तक मुझे उम्मीद है बस ये दो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आप पढ़ने आए हो तो और भी पढ़ लेना थोड़े बहुत इधर उधर से जो थोड़े लगे कि हाँ आपको आ सकते हैं, बट हाँ ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो आपके जो है 80 नंबर का पेपर आता है, ठीक है, तो उस पेपर के अंदर से आपको जो है कितने क्वेश्चन, आपकी जियोग्राफी भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी, उसके अलावा एक सब्जेक्ट और सिविक्स भी बच गया, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो इतने सारे सब्जेक्ट आएंगे तो इसका हिस्सा कितना पड़ेगा, 20 नंबर की आएगी, ठीक है ना, मतलब दो तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बड़ा आता ही है, ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा आएगा, दो तीन क्वेश्चन ऐसे आएंगे थोड़े मीडियम साइज के। तो इस चैप्टर से दो क्वेश्चन कर लेना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और एच वाई वी सीड्स का, ठीक है। अगले चैप्टर पे आते हैं पीपल एज रिसोर्स, ठीक है, पीपल एज रिसोर्स। तो इसके अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना, पीपल एज रिसोर्स से आप क्या समझते हो, सीधी सीधी बात पूछ लेंगे पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या है, ठीक है। और जो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा की पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पाँच नंबर में नहीं आएगा, तीन नंबर में आ सकता है, तीन या दो नंबर के आसपास के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा जा सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती है, क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक्टिविटीज जो है हमने तीन तरीके से बांट रखी है, प्राइमरी,
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ठीक है ना। तो इन तीन सेक्टर का क्वेश्चन जरूर आता है, मोस्टली 99% चांस रहेंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को आपको मिल जाएगा। इसमें पूछ भी सकते हैं, अगर एमसीक्यू आता होगा, एक नंबर में आता होगा, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है, टर्सरी के अंदर क्या क्या आता है, तो अब जान लेते हैं थोड़ा सा। प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर, यानी कि जो रॉ मटेरियल हमें जहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल्स, ठीक है, तो उन सारी चीज़ें वो किसके अंदर आई, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वारिंग, तो ये आती है प्राइमरी में। सेकेंडरी के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है सामान की, और टर्सरी के अंदर जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें, सर्विसेज, टूरिज्म, इंश्योरेंस, वो सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और आगे चलते चलते हम कहाँ पहुँचेंगे, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आ सकता है आपका। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है मेनली आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसग्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल क्या होती है, एक सीजन में जैसे खेती करते हैं, एक सीजन में काम मिल गया, उसके बीच में जब तक खेती बड़ी नहीं होगी उसके बीच में काम नहीं मिलेगा हमें, ठीक है, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसग्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें इंसान काम करते हुए दिख रहा है बट काम करता ही नहीं है वो, मतलब पांच लोगों की जरूरत है, वहां पे आठ लगे पड़े हैं, तीन की जरूरत ही नहीं है, फालतू में लग रहे हैं, तो वो तीन लोग डिसग्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार ही हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये दो क्वेश्चन है इसमें से आ सकते हैं। और अगर इसके जो है इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है उनमें से बात करें तो इसमें से पहला क्वेश्चन आप करो, ठीक है, बाकी मैंने बता दिया वही क्वेश्चन आएंगे, देखो पहला, छठा और दसवां क्वेश्चन, ठीक है, पहला, छठा और दसवां, ये तीन क्वेश्चन कर लेना, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका। यही तीन क्वेश्चन है, घुमा फिरा के यही देते हैं आगे पीछे करके, ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन कर लेना इस चैप्टर से। पॉवर्टी एज अ चैलेंज तीसरा चैप्टर आ रहा है अपने पास में, और तीसरे चैप्टर के अंदर जो है देखते हैं क्या आता है तीसरे चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पे आता है पॉवर्टी का कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ पॉवर्टी, तो यहाँ पे लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिलीज, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस, तो ये पाँच छः पॉइंट है, शायद दो चार छः सात, सात पॉइंट है, और सात पॉइंट का जो है क्वेश्चन आ सकता है, बस पॉइंट ही डिस्क्राइब करने हैं, आगे तो आप वैसे भी बता दोगे कि लैंडलेसनेस मतलब जमीन नहीं है जिसके पास, अनएम्प्लॉयमेंट जिसके पास काम नहीं है, साइज ऑफ फैमिली अगर परिवार ज़्यादा बड़ा है, इलिटरेसी अनपढ़ है, माल न्यूट्रिशन या फिर पुअर हेल्थ यानी कि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, चाइल्ड लेबर बच्चे से ही बचपन से काम करने लग गया, और हेल्पलेसनेस कोई मदद नहीं करने आ रहा, ठीक है, तो ये आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम का है। और उसके अलावा अगर आगे चलते हैं तो आगे चलते चलते हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा आगे चलते चलते, हाँ ये मिलेगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी का कारण क्या है, ठीक है ना, गरीबी का कारण क्या है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा जो रीज़न है ना वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा कम है, और उसकी वजह से हुआ ये सारा पंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यहाँ पे प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, और इन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स के अंदर से एक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनरेगा, ठीक है ना, पूछ लेंगे मनरेगा क्या है, मनरेगा एक्ट 2005, ठीक है ना, तो ये पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें दो नंबर में या एक नंबर में, ठीक है, आएगा जरूर, ठीक है, याद कर लेना, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, और इस एक्ट के तहत लोगों को 100 दिन तक, 365 दिन होते हैं अपने पास में, और उन 365 दिनों में से 100 दिन एक परिवार से एक आदमी को काम दिया जाएगा सरकार की तरफ से, तो ये है इसके अंदर, ठीक है। सो मैंने ये बता भी दिया है साथ के साथ सॉल्यूशन, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, कमेंट में जरूर बताना हमें। अगला चैप्टर आ रहा है अपने पास में फूड चैप्टर, और ये अपना लास्ट चैप्टर भी है, ठीक है ना, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भोजन सिक्योर, भोजन को सिक्योर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो आता है व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, सीधा सा क्वेश्चन आएगा, आता है बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन आया है कई बार, ठीक है ना, मतलब सेट आते हैं तो सेट में तो मिलेगा भाई, मिलेगा, कसम से मिलेगा, ये अगर सेट आए हैं आपके पिछले साल के पेपर भी देखोगे आप लोग, ऐसा तो है नहीं मेरी वीडियो के भरोसे बैठे हुए पूरा, तो पिछले साल के पेपर भी देख लेना आप थोड़ा सा, क्योंकि पिछले साल के पेपरों में से आता है हरियाणा बोर्ड के अंदर, और जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनका तो रैंडमली पूछ लेते हैं, तो मैंने रैंडमली क्वेश्चन ऐसे बना दिए हैं जो उनके ज़्यादा चांसेस रहेंगे पूछने के।
तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है इस चैप्टर से, फूड सिक्योरिटी क्या होती है। तीन जो है तीन चीजें होती है इसके अंदर, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एसेसिबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी। पेज नंबर 42 एनसीईआरटी के ऊपर आइए, चाहो तो आप पढ़ सकते हो इसको डिटेल में। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है एक नंबर में, एक या दो नंबर, दो तो का तो मुश्किल है, एक नंबर का आ सकता है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो देख लो, क्वेश्चन आ सकता है कि फूड इनसिक्योर पीपल देश के किस हिस्से में ज्यादा है। फूड इनसिक्योरिटी देश के किस हिस्से में ज्यादा है, तो समझ गए हिंदी में, हिंदी तो बना लोगे आप, ऐसे तो हो नहीं कि बिल्कुल ही। ठीक है, तो वो जो इलाका है वो है यूपी का, ठीक है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये वो इलाके हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, बफर स्टॉक और पीडीएस क्या होते हैं। ठीक है ना, या फिर पूछ सकते हैं सरकार के द्वारा दो स्कीम है, ठीक है ना, फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो सरकार ने बना रखा है वो दो सिस्टम कौन से हैं, बफर स्टॉक और पीडीएस। पांच नंबर में आता है, पांच का भी आ सकता है, ठीक है, दो का आता है, तीन का या पांच का, कैसे भी कर सकते हैं, वो डिस्क्राइब करना है बस आपको। ठीक है ना, तो बफर स्टॉक पहले बात करते हैं, बफर स्टॉक और पीडीएस दो चीजें आ रही हैं इसमें। बफर स्टॉक क्या होता है, सरकार जो है जहां पे जिस इलाके में जिस स्टेट के अंदर सरप्लस जो है अनाज पैदा होता है, कुछ भी पैदा हो रहा है सरप्लस जो ज्यादा है वहां की अमाउंट, ठीक है ना, तो उसको खरीद के अपने पास स्टोर कर लेती है और लोगों को प्रोवाइड करने के करती है उस स्टॉक में से। ठीक है ना, और जो प्रोवाइड करते हैं वो होता है पीडीएस के थ्रू। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दुकानें खुल जाती है शहर में, हर शहर में एक या दो दुकान मिल जाएगी आपको, और उसमें जो है आप जो है राशन कार्ड दिखा के वहां से सस्ते रेट में वहां से सामान ले सकते हो, अपना अनाज ले सकते हो। और ये जो बफर स्टॉक है ये कलेक्ट करता है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आगे आते हैं, और सरकार की दो स्कीम, सरकार की दो स्कीम ये भी आया है, कई बार आया है। ठीक है ना, तो ये जो है हार्ड कोर वाले क्वेश्चंस में से है, बट इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड चीज है। सरकार ने दो स्कीमें लॉन्च की थी सन 2000 के अंदर। ठीक है, पूछी जाती है बहुत बार फूड सिक्योरिटी को लेके, ये दो स्कीमें चल रही हैं और इसमें क्या होता है। ये पहली स्कीम है अंत्योदय अन्न योजना। क्या अंत्योदय अन्न योजना, आपने सुना होगा, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उन लोगों को जो है सरकार बफर स्टॉक से पीडीएस के थ्रू भोजन प्रोवाइड कर दिया, 2 रुपए किलोग्राम, 3 रुपए, 5 रुपए। ठीक है, और महीने की जो है होती है उनकी अमाउंट फिक्स होती है कि 25 किलोग्राम ले सकते हो या 35, तो इसके आसपास होती है, वो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये स्कीम है, और उसके अलावा अन्नापूरा स्कीम, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं कर रखा, बट हाँ अन्नापूरा स्कीम और ये स्कीमों के नाम पूछे जाते हैं बस। ठीक है ना, ज्यादा कुछ आता नहीं है, अंत्योदय अन्न योजना और जो है अन्नापूरा योजना, सॉरी अन्नापूरा स्कीम। ठीक है, तो ये आते हैं ये क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो यहाँ पे जो है फ्रॉड का भी पूछ सकते हैं, तो अगर आप टेक्सचुअल एक्सरसाइज में आते हो तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज में आओ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 याद कर लो, उसके बाद में जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, और उसके बाद में आता है तीसरे क्वेश्चन के बाद में, हाँ सातवां क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीजनल हंगर एंड क्रोनिक हंगर। सीजनल हंगर क्या होते हैं, वो एक सीजन में भूखे रहेंगे, क्रोनिक हंगर बहुत लंबे समय तक उनके पास जमीन नहीं होती, वो हमेशा ही भूखे रहते हैं, मोस्टली भोजन कभी कभी नसीब होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सातवां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पहला तीसरा सातवां, और उसके अलावा आप करो तो दसवां क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि दसवें क्वेश्चन के चार पार्ट आपको देखने को मिलेंगे और चारों इंपॉर्टेंट है। फेयर नोट को, फेयर प्राइस शॉप्स को ज्यादा खास नहीं है, बट हाँ इशू प्राइस, बफर स्टॉक, मिनिमम फोर्ड प्राइस आ सकते हैं, बफर स्टॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था कुछ, मैंने 20 के आसपास क्वेश्चन बता दिए होंगे आपको, 20-25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये था, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी एंड सपोर्ट अच्छा लगा तो कमेंट में जाके आप सपोर्ट दिखाओ, अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को भेजो, ताकि वो भी एग्जाम में पीछे ना रह पाए, ठीक है ना, और उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाए, वो भी आराम से पास हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो एनालाइज किया है पिछले 2-3 सालों से, तो उनमें जो है यही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं और यही क्वेश्चन आते जाएंगे, क्योंकि सरकार कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो ये था चैप्टर में, चैप्टर नहीं था ये, पूरी बुक के अंदर यही था बस। ठीक है, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते, अभी तो 9th में हो, अभी तो 10th करनी है, 11th करनी है, 12th करनी है, अगर मिस नहीं करनी है तो इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।